हेलो दोस्तो, दोस्तों वेलकम टू सुन मंत्रा मैं हूं अनुपम आज दोस्तों हम बात करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में कि हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज कहते हैं जो हम यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका मेन वर्क क्या होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और किस तरीके से वर्किंग साइकिल उसका चलता है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है वह वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे वर्क करता है अब आपको ये नहीं पता है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है तो इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो आप डिटेल से देख सकते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे किस तरीके से वर्क करता है इसकी साइकिल क्या होती है आपको पता है कि जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं जो हम घरों में फ्रिज है जिसे हम यूज करते हैं उसको हम किस लिए यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को एग्स को फ्रूट को कोल्ड ड्रिंक uh, मतलब ठंडा पानी करने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम क्या करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं अब बात करते हैं इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के तो इसके कंपोनेंट होते दोस्तों चार दोस्तों मेन कंपोनेंट होते हैं पहला हमारा कंपोनेंट होता है कंप्रेसर सेकेंड हमारा होता है कंडेंसर थर्ड हमारा है एक्सपेंशन वाल्व और फोर्थ हमारा होता है इवेपरेटर क्वाल यानी ये चार कंपोनेंट होते हैं जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अब बात करते हैं इसकी वर्किंग साइकिल के बारे में किस तरह इसका अरेंजमेंट होता है तो ये दोस्तों क्या होता है कंप्रेसर होता है जो होता है क्या एक मोटर से कनेक्ट होता है इसके बाद ये हमारा क्या है कंडेंसर है नेक्स्ट हमारा इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व होती है और ये हमारा इवेपरेटर होता है यानी इस तरीके से हमारा जो पूरा चार कंपोनेंट होते हैं इस तरीके से क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है कम्प्रेसर होता है और जो कंप्रेसर होता है वह एक मोटर से कनेक्ट होता है अब क्या करेगी मोटर रन करेगी यहां पे कंप्रेसर पे क्या होगा जो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है एज ए रेफ्रिजरेंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा कंप्रेस होगा जब कंप्रेस होगी कोई चीज तो क्या होगा उसका जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो कंप्रेसर क्या करता है जो रेफ्रिजरेंट इसमें हम यूज करते हैं उसको क्या करता है उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है इसके बाद दोस्तों इस तरीके से हमारी साइकिल ये फ्लो होती है और ये जाता है हमारा कंडेंसर में अब कंडेंसर में क्या है कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा अब कंडेंसर में मेन वर्क क्या होता है जो हमारा ये लिक्विड फ्लो हो रहा है किससे जब ये कंडेंसर से पास होता है तो क्या करता है इस पे क्या होती है एक ये फिंस टाइप में क्वाइल लगी होती है अब इनका रोल क्या होता है एक तरीके से इसको ठंडा करती है और जो ये अभी क्या है हाई प्रेशर है टेम्परेचर पे है और ये क्या है एक वेपर के फॉर्म में है क्या बताया मैंने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो यहाँ पे क्या है अभी वेपर है अब इस वेपर को क्या करता है जो हमारा कंडेंसर होता है इस पे क्या होती है वाटर की ट्यूब लगी होती है या फिर एयर से हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ कंडेंसर क्या करता है जो वेपर होते हैं उनको क्या कर देता है लिक्विड में चेंज कर देता है ठीक है तो ये मेन वर्क होता है हमारा कंडेंसर का तब ये जब ये चेंज कर देता है लिक्विड में तो ये क्या होता है फिर आगे फ्लो होता है इस तरीके से फ्लो हो रहा है अब ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंशन वाल्व का क्या मतलब होता है जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है जो लिक्विड का अभी हाई है तो एक्सपेंशन वाल्व करने का जब पास होगी यहां से तो क्या हो जाएगी एक्सपेंड हो जाएगी जब ये एक्सपेंड हो जाएगी तो जो उसका प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि क्या हो गई एक्सपेंड हो गई है एक्सपेंशन वाल्व के वाल्व से पास होने के बाद तो अभी क्या ये लिक्विड में चेंज हो गया है अब ये जाता है इवेपोरेटर पे अब इवेपोरेटर पे क्या होता है जहां पे हमें डीप फ्रीजिंग मिलती है जहां पे दोस्तों आपको पता है ना जो एक आ, हमारा बॉक्स बना होता है जहां मेन कूलिंग होती है वो हमारा क्या होता है जो कूलिंग का मेन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां हमें मेन ठंडा करना होता है वह हमारा क्या होता है इवेपरेटर होता है अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा वो पार्ट होता है जहां आप कूलिंग मतलब हमें मिलती है तो वो क्या होता है इवेपरेटर होता है तो अब देखो यहां से क्या हुआ था प्रेशर भी डाउन हो गया था इसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया था यानी इसका कोल्ड स्टेज इस पे आ चुका है क्योंकि प्रेशर डाउन टेम्परेचर डाउन अब ये क्या हो चुका है ठंडा हो चुका है अब ये क्या होता है यहां से इवेपरेटर से पास होता है ठीक है जब ये इवेपरेटर से पास होता है तो होता क्या है ये जो सराउंडिंग की हीट होती है उसको कलेक्ट कर लेता है और जो अभी ये लिक्विड फॉर्म में है अगेन क्या होता है वेपर में चेंज हो जाता है इवेपरेटर पे क्योंकि हमें क्या करना है ठंडा पैदा करना है जब ठंडा किस तरीके से होगा जब सराउंडिंग की हीट को लेगा तो यहां से क्या होता है सराउंडिंग की हीट को लेकर ले लेता है और क्या करता है यहां पे कूलिंग प्रोवाइड करता है अब ये क्या होता है फिर अगेन ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है वेपर पे चेंज हो जाता है ठीक है वेपरेटर का मेन वर्क क्या होता है जो लिक्विड होते हैं क्या लिक्विड होते हैं उनको क्या करता है वेपर पे चेंज कर देता है तो क्या हो जाता है यहाँ वेपर पे चेंज हो जाते हैं जब वेपर पे चेंज होने के बाद फिर ये कंप्रेसर पे जाता है फिर इसी तरीके से सेम साइकिल दोस्तों वर्क करती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमारा क्या होता है इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और एक किस तरीके से साइकल वर्क करता है तो थैंक यू वॉटिंग इस वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें